गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। 10 बड़ी खबरों के साथ लेकर आई हूं मैं शुभांगनी आज का काउंटडाउन। तो चलिए सुपर स्पीड से शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। नंबर 1, फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म मेकर्स को दर्शकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अब इस मामले पर हाई कोर्ट ने भी मेकर्स को फटकार लगाई है। कोर्ट ने न केवल फिल्म के मेकर्स बल्कि सेंसर बोर्ड पर भी नाराजगी जाहिर की है। नंबर 2, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने जवान की टीजर की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। मेकर्स ने कहा है कि 7 जुलाई या फिर 15 जुलाई को फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा। इस खबर से फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि जवान के रिलीज से ठीक 2 महीने पहले इसका प्रमोशन शुरू होगा। नंबर 3, साल 2017 में सुभाष चंद्र बोस का किरदार बेहतरीन रूप से निभाने के बाद अब राजकुमार राव भगत सिंह के किरदार को पर्दे पर उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार राव अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और स्क्रिप्टिंग में खुद भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज पर है, जहां राइटर्स की टीम फिलहाल भगत सिंह की जिंदगी के किस्सों पर रिसर्च करने और उन्हें लिखने में व्यस्त है। नंबर 4, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर का फर्स्ट लुक अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फाइटर के फर्स्ट लुक रिलीज के बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट का माहौल बना हुआ है। फिल्म फाइटर 25 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है। नंबर 5, कंगना रनौत ने बुधवार को संदीप सिंह के साथ एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। ये फिल्म किस नाम से होगी और इसका निर्देशन कौन करेगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि संदीप सिंह के साथ मिलकर कंगना रनौत एक बड़ी फिल्म की प्लानिंग में है। नंबर 6, रणवीर सिंह और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर इन दिनों खासा बज है। ये फिल्म जल्द ही थिएटर पहुंचने वाली है। इससे पहले सुपरस्टार रणवीर और आलिया की इस अपकमिंग फिल्म का एक बेहद रोमांटिक ट्रैक जारी हुआ, जिसमें रणवीर और आलिया कश्मीर की वादियों में रोमांस से भरे नजर आ रहे हैं। ये गाना यश चोपड़ा की फिल्मों के ब्लॉकबस्टर गाने को याद दिलाने वाला है। नंबर 7, संजय पूरन सिंह के विवादों से भरी फिल्म 72 हुरे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बता दें कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के ट्रेलर को पास नहीं किया था, लेकिन बावजूद इसके मेकर्स ने यूट्यूब पर ट्रेलर को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे आतंकवादी मासूम लोगों को झूठ के जाल में फंसा कर उन्हें मजहब के नाम पर कुर्बानी देने के लिए तैयार करते हैं। नंबर 8, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नेने को अपनी मां की याद आती है, जिनका इस साल की शुरुआत में निधन हो गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी जयंती पर एक भावनात्मक संदेश लिखा है। इंस्टाग्राम पर माधुरी ने तस्वीरों का एक कोलाज भी शेयर किया है, जिसमें उनकी मां के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें हैं। नंबर 9, रिपोर्ट्स की माने तो असिन और उनके पति राहुल शर्मा के साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद असिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पति संग शादी की सारी फोटोज को डिलीट कर दिया। लेकिन मीडिया में चल रही इन खबरों पर अब खुद एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए एक्ट्रेस ने बताया है कि अपने पति से वो कोई तलाक नहीं ले रही और मीडिया में चल रही खबरें केवल अफवाह है। एंड नंबर 10, एक्ट्रेस सोनम कपूर एक्टिंग की दुनिया में वापसी के लिए तैयार है। वो जल्द ही फिल्म ब्राइड में नजर आने वाली है, जो कि थ्रिलर और रोमांस से भरपूर है। सोनम कपूर की ये फिल्म सिनेमाघर में ना रिलीज होकर OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। हाल ही में सोनम कपूर की ब्राइड का टीजर भी रिलीज हुआ है, जो किसी को भी हैरान कर दे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।